कांग्रेस नेता किरण चौधरी का एक बार फिर से भिवानी की पॉलिटिक्स में डंका बजने लग गया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान किरण चौधरी ने तीन बड़े शॉट खेलकर ये बता दिया है कि वो भिवानी की पॉलिटिक्स में सबसे आगे है, सबसे दमदार है और सबसे ज़्यादा जन समर्थन उनके साथ में है। किरण चौधरी ने 10 दिसंबर को सबसे पहले महिला सम्मेलन में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 20 साल के दौरान कांग्रेस ने कभी भी इतना बड़ा महिला सम्मेलन नहीं किया और भिवानी में इस सम्मेलन को कामयाब बनाने का पूरा श्रेय किरण चौधरी और उनके समर्थकों की टीम को जाता है। किरण चौधरी ने बता दिया कि अब महिलाओं के समर्थन के मामले में भी ना कांग्रेस कमजोर है और ना ही किरण चौधरी कमजोर है। किरण चौधरी की अगुवाई में इतना बड़ा महिला सम्मेलन करके SRK तिकड़ी ने जहां अपने बढ़ते हुए दमखम का परिचय दिया है, वही भिवानी की पॉलिटिक्स में भी किरण चौधरी ने ये साफ संदेश दे दिया है कि वो अब अपने खराब दौर से निकलकर दोबारा से मजबूती के साथ तेजी से आगे कदम बढ़ा रही है। ये महिला सम्मेलन इसलिए भी खास था क्योंकि इस महिला सम्मेलन में कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। इस महिला सम्मेलन के अंदर भिवानी शहर के अलावा आसपास के इलाकों की महिलाओं ने भी शिरकत की। इस महिला सम्मेलन में सभी जातियों की महिलाओं का शामिल होना भी इस बात का प्रतीक है कि किरण चौधरी की टीम मजबूती के साथ भिवानी में काम कर रही है और 2024 की सियासत के लिए एक सदी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। महिला सम्मेलन के जरिए किरण चौधरी ने बता दिया कि साल 2024 में BJP के लिए भिवानी में कांग्रेस को टक्कर देना आसान नहीं होगा। किरण चौधरी ने इसके बाद बार एसोसिएशन के चुनाव में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। किरण चौधरी के समर्थक सत्यजीत पिलानिया लगातार चौथी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए, जो एक रिकॉर्ड है। माना जा रहा था कि सत्यजीत पिलानिया नहीं जीत पाएंगे क्योंकि सत्यजीत पिलानिया के खिलाफ सारे के सारे विरोधी एकजुट हो गए थे। उनके प्रतिद्वंदी जहां पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के भांजे हैं, वही JP दलाल और सांसद धर्मवीर सिंह भी उनको समर्थन कर रहे थे। इसके अलावा प्रदेश की BJP सरकार भी उनके समर्थन में खड़ी थी। इन चारों मोर्चों के खिलाफ में सिर्फ किरण चौधरी ही सत्यजीत पिलानिया को सपोर्ट कर रही थी। ये भी कह सकते हैं कि ये चुनाव सत्यजीत पिलानिया का नहीं होकर बल्कि किरण चौधरी वर्सेस अन्य का हो गया था, इसलिए इस चुनाव को रसूख का सवाल भी बना लिया गया था। ये माना जा रहा था कि इस चुनाव को जो जीतेगा उसका डंका बजेगा और जो पक्ष हारेगा उसकी फजीहत होगी। लेकिन किरण चौधरी ने अपने मैनेजमेंट के बलबूते पर, अपने साथियों के सहयोग के बलबूते पर इस चुनाव में सत्यजीत पिलानिया को लगातार चौथी बार एसोसिएशन का चेयरमैन बनाकर ये बता दिया है कि भिवानी की पॉलिटिक्स में उनकी टीम सबसे मजबूत है। तीसरा मुद्दा रहा नगर परिषद का। नगर परिषद में पेमेंट अप्रूवल कमेटी के सदस्य के तौर पर किरण चौधरी के समर्थक अंकुर कौशिक को दायित्व दिया गया। वो इस मामले में चुनाव जीतने में सफल रहे। उनके पक्ष में 32 वोटों में से 24 वोट पड़े और 8 वोट विरोधियों को मिले। ये चुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि सत्ता पक्ष ने इस चुनाव को रुकवाने के लिए तमाम कोशिश की थी। 2 बार इस मामले को लेकर बैठक भी टल गई थी, जिसके चलते अंकुर कौशिक को मजबूरी में हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी और 22 पार्षदों के साथ मिलकर अंकुर कौशिक ने हाईकोर्ट को बताया कि जिला प्रशासन ऊपर के आदेशों पर ये मीटिंग नहीं होने दे रहा है, जिसके चलते नगर परिषद के कामकाज में रुकावट पड़ रही है और अप्रूवल कमेटी का मेंबर नहीं बनने के चलते शहर के विकास कार्यों में अड़चन आ रही है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस बारे में आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर ही प्रशासन इस मामले में नगर परिषद के पार्षदों की मीटिंग लेकर पेमेंट अप्रूवल कमेटी के सदस्य का चुनाव करवाए। इस चुनाव को भी रसूख का सवाल माना जा रहा था क्योंकि अंकुर कौशिक साफ तौर पर किरण चौधरी के समर्थक है और विरोधी खेमे के प्रत्याशियों को जहां INLO का समर्थन था, वही BJP का भी समर्थन था और ये माना जा रहा था कि ये चुनाव काफ़ी कांटे का होगा।
लेकिन अंकुर कौशिक ने किरण चौधरी के समर्थन से इस चुनाव को एक तरफा जीत कर ये बता दिया कि वो भी किरण चौधरी के समर्थन के बलबूते पर काफी मजबूत है। ये तीन प्रकरण ऐसे हैं जिन्होंने किरण चौधरी के रसूख को बनाने का काम किया है, जिन्होंने किरण चौधरी की टीम की मजबूती दिखाने का काम किया है और जिसने भिवानी जिले की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से किरण चौधरी को कद्दावर नेता के तौर पर स्थापित करने का काम किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।